हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम कश्मीरी रेड पनीर बनाएंगे। इस पनीर की रेसिपी को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और स्वाद में भी बाकी पनीर की रेसिपी से बिल्कुल अलग है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम पनीर। पनीर को हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लेना है। पनीर को अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक उबलने देंगे। बीच में 1 से 2 बार हम पनीर को हिला देंगे। पाँच से छः मिनट उबलने के बाद पनीर को पानी से निकालेंगे और इसे छलनी में डालकर अलग रखेंगे। और अब हम सेम इसी पानी में 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और टमाटर को जब तक पकने देंगे जब तक कि टमाटर की स्किन अलग नहीं होने लगती। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर से स्किन अलग होने लगी है, तो टमाटर को अब हम पानी से अलग निकालेंगे और हल्दी और नमक के इस पानी को हम अलग रखेंगे। इस पानी को हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और अब हम गैस ऑन करके पैन में 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। इस रेसिपी में पनीर को डीप फ्राई किया जाता है। आप चाहें तो पनीर को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर अभी हम पनीर को शेलो फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। पनीर को हमें उलट पुलट करते हुए सभी साइड से डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इस रेसिपी में पनीर को हमें डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। पनीर पर अच्छा सा कलर आने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और टमाटर भी ठंडे हो गए थे। टमाटर से छिलके को हमने अलग निकाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम तेल में कुछ साबुत मसाले डालेंगे। मसालों को कुछ देर तक भून लेंगे और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी को केवल टमाटर और कुछ मसालों के साथ ही बनाया जाता है। तो अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट पकने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इस रेसिपी में हमें केवल कश्मीरी रेड चिली पाउडर का ही यूज़ करना है। इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होगी। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पनीर को उबालते समय पानी में भी डाला है, वही पानी हम ग्रेवी को बनाने में यूज़ करेंगे, इसलिए नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक वाला पानी डालेंगे और अब हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। 5 से 7 मिनट मसाले को हमने ढककर पका लिया है और मसाले से तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप नमक और हल्दी वाला पानी। पानी में उबाल आने देंगे।
पानी में उबाल आने के बाद अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसमें पनीर डालेंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट ढककर पकने के बाद एक बार पनीर को हम पलट देंगे और फिर से इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकने देंगे। तीन से चार मिनट बाद कश्मीरी रेड पनीर बनकर तैयार है। ये पनीर की सबसे अलग रेसिपी है और टेस्ट भी बहुत ही अलग है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।